नमस्ते भैया, हार्दिक पटेल जी को मेरा बहन होते नमस्कार करूँ। मैं तेलंगाना से हूँ, मैं बीजेपी का फॉर्मर मिनिस्टर हूँ, अभी तो तेलंगाना का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन। जहाँ तक अभी पॉलिटिक्स तो जो बारे में देश भर की हो रहा है, अभी तक आप जितने भी कोशिश करें मगर देश को आगे बढ़ाना वाला एक ही बीजेपी पार्टी है। आप बोल रहे थे कि प्रेस में मैं देखी थी, मीडिया में पढ़ी, मीडिया में भी देखी थी, तो आप बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री 90 मिनट स्पीच जो दिया है वो उसके बारे में अभी काम नहीं कर रहा है, ऐसे प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। तो ऐसे आप नहीं चाहे चाहने से आप नहीं चाहने से भी प्रधानमंत्री कौन रहना है वो पब्लिक ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया है। अभी उन्होंने जो भी काम कर रहा है, जो देश के लिए काम कर रहा है, जो पब्लिक के लिए काम कर रहा है, उन्हें जो बोल रहे हैं ना आप एजुकेशन के बारे में और एग्रीकल्चर के बारे में जो भी करने के लिए आप लोग बोल रहे हैं, उनके लिए प्लीज आप थोड़ा सा सजेशन दीजिए। मगर आप जो काम कर रहे हैं, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए तो आप काम ही नहीं कर रहे। जहाँ व्यवसाय क्षेत्र में आप जाके और वो फार्मर्स का क्या क्या प्रॉब्लम से आप पहले से देखिए क्या, आप उनकी जो बाधा को आप महसूस करें क्या? अगर करे तो जाइए, उनके पास जाइए, उनकी दर्द सुनिए। अब जो बोलने का बात आसान है, बात बोलने का आसान है, मैं करना बहुत मुश्किल है मेरे भाई। आप आके हार्दिक पटेल जी, आप युवा हैं, आपकी जो आलोचना है अच्छी आलोचना अगर रहे तो हम लेने के लिए रेडी है, हमारा गवर्नमेंट भी लेने के लिए रेडी है। आज हमारा सरकार किसके लिए काम कर रही है? पॉलिटिक्स के लिए नहीं काम कर रही। जितने पॉलिटिक्स चला रहे आप लोग देश भर की, जो कास्ट के नाम पे, रिलीजन के बारे में या तरह तरह के रूप में आप लोग रोकने का हमारा बीजेपी का आगे बढ़ने का कोशिश चल रहा है, जारी कर रहे हैं आप लोग, 4 साल होने को आ रहे हैं। मगर अभी जो बोल रहे हैं आप, अभी इतने 4 साल चले गए मगर आप क्या करे थे? ये 4 साल के हो गए और फार्मर्स के लिए, रैतु के लिए, विद्यार्थी के लिए, आप जहाँ जहाँ भी देश भर का लीडर बने होंगे, हम खुशी है आपकी लीडरगिरी से कि मैं भी एक छोटी बहन, छोटा भाई हमारा आगे बढ़ रहा है लीडर के लिए। जो बीसी है या इश्यू बेस्ड के लिए, पब्लिक के इश्यूज में आप जो भी कदम ले रहे हैं हम उसके लिए हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, मगर जो इश्यू बेस्ड जो लेके जा रहे हैं आप वो नहीं लेके जा रहे, वही हमको थोड़ा दर्द हो रहा है हमारा बीजेपी में। चाहे थोड़ा सा भी गलती किधर भी होगा मगर पूरा गलती जो कांग्रेस ने किया, जब ये सब कहाँ गए थे आप लोग, कहाँ थे उस टाइम में? आप पूछने का उस टाइम में आपको बहुत मौका था, कहीं नहीं गए थे, कहाँ नहीं बात करे थे आप? इतना अच्छा गवर्नमेंट अब इतने सालों के बाद बीजेपी गवर्नमेंट पब्लिक के पार्टी के जैसा, आज हिंदू तत्व के नाम पे जो भी लड़ाई कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं, मगर हमका नाम बदनाम करने के लिए जो जो आज लोग में जो दुष्ट चर्या हो रहा है उसके लिए बीजेपी कभी नहीं जा रही। हमारा पार्टी में भी मुसलमान है, हमारा पार्टी में गरीब है, हमारा पार्टी में SC है, दलित है, महिला है, पीढ़ी जाति सब कुछ है। आप देश भर भी देख लीजिए पॉलिटिक्स में जो जो इससे पहले कभी नहीं आए थे सबको हम लोग दिए हैं। जहाँ तक आपका फाइट जो हो वो न्याय का फाइट है, तो उसको गवर्नमेंट के साथ चल के काम करने का है। हमारा गवर्नमेंट कभी भी पब्लिक के साथ रहेंगे, जो अच्छे काम करने वाले के साथ रहेंगे। मगर आप जो बोला कि आपकी प्रेस आज की न्यूज़ में कि ऐसा प्रधानमंत्री हम नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छे काम कर रहे हैं ना भाई, इससे पहले प्रधानमंत्री बने थे उनको आप रोक नहीं पाए ना, अभी अच्छे काम करने वालों को मत रोकिए प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है।